ये बात है कि हर इंसान वैक्सीन अपनी जिम्मेवारी पे लगाएगा कोई जबरदस्ती तो किसी को नहीं लगा सकता वैक्सीन हमने उनको बताना है कि आपका नाम है इस वैक्सीन के लिए आप तशीफ ले आए वो आके लगवा लेता है तो उसकी मर्जी है वैक्सीन के साइड इफेक्ट है वजह यह ऑलरेडी ऑन और रिकॉर्ड है कि जो बहुत ज्यादा कमजोर लोग थे बूढ़े लोग थे बाहर के मुल्कों में उनको लगी उनमें से कुछ की फौतीत की हुई है मैं जब ये नाम लेता हूं ना धोखा और चीन तो मुझे विस्मय नहीं होता है तो जो वजीरा सहित पंजाब कहती है अपनी आपने गारंटी पर लगवानी है इसके साइड हैं हम गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं वैक्सीन क्या करेगी आपके साथ ये तो आलम है कि हम अब भी इमदाद पे बैठे हैं चाइना ने जो हमें जो है वो हमारे कशकोल डाल दिया में उबाम है कि ये वैक्सीन चाइना से आई ये लेके जाऊंगा और वैक्सीन लगवाऊ मैं साथ लेके जाऊं लगवा लो नहीं, नहीं मैं इस वैक्सीन से बेहतर हूँ हम बड़ा दावा करते हैं सातवीं कोत है मुस्लिम आ, दुनिया की और उ, मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी कोत है और हम भीख मांग रहे हैं कि को, मेरे कोविड की वैक्सीन दे आज का वीडियो ब्लॉग एक सवाल से है कि क्या थोड़े से लाभ के लिए कोई देश या व्यक्ति इतना नीचे गिर सकता है कि कोई भी कुकृत करने को तैयार हो लेकिन चीनी सरकार के लिए यह आम बात है हमारे देश में भी नकली दवाइयों की खबरें आती रहती हैं पर यह कारोबार सरकार के संरक्षण में नहीं चलता है चीनी सरकार ने तो हद ही कर दी इस महामारी में भी वैक्सीन के दौड़ में वो भी भारत से आगे निकलने के चक्कर में अपनी कम क्षमता के वैक्सीन को ज्यादा बताकर बिना पूरी तरह जाँच किए बेचना शुरू कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कम समय में कमाया जा सके पर उसकी यह चोरी ब्राजील तथा अन्य देशों ने पकड़ ली और फिर उसकी फजियहत हुई आपको यह भी बताते चले कि चीन में खुद ही एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है जो जापान के रिपोर्ट पर हुआ है आज की इस वीडियो में हम कुछ और तथ्यों की चर्चा वीडियो ब्लॉग के अंत में करेंगे उसके पहले आइए सुनते हैं कि पाकिस्तान मीडिया में इस फर्जीवाड़े को कैसे देखा जा रहा है क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान चीनी वैक्सीन के ही भरोसे खड़ा है लोगों में अभाव है लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं जिस तरह कोविड नाइन्टीन को पाकिस्तानी अवाम ने डील किया था वैक्सीनेशन को भी उसी तरह डील किया जा रहा है इस पर सोने पे सुहागा वजीर सेहत पंजाब यासमीन रांचद साहब ने स्टेटमेंट दिया उन्होंने कहा लोग अपनी मर्जी पर अपनी जिम्मेदारी पर जो है वो वैक्सीनेशन लगवाएं उन्होंने तो इस अभाव को और क्रिएट किया कुछ नहीं कहना चाहता अब हमारी बड़ी भी हैं देखो डॉक्टर भी हैं उनको ये मेरा यही तो मैं कह रहा हूँ मैं क्या कहूँ उसी डॉक्टर ने तो नवाज शरीफ को भी क्लीन चिट ली कि ना वो जाए उनकी रिपोर्ट देखी तो दे। वो आज तक एक दिन भी अस्पताल में नहीं रहे तो अब मैं उनकी डॉक्टरी के तो कुछ कह नहीं सकता ये तो खुद ही वो बताएंगी या कोई और डॉक्टर बताएगा लेकिन इन फैक्ट ऑफ मेट्रेस कि ये बहुत ही लूज स्टेटमेंट है आई एम श्योर इसका स्याको सबाक होगा कुछ ना कुछ कि कोई वजह होगी और पूरा एक जुमला होगा और ये आखिर का उसका जुमले का हिस्सा होगा जिसको हम लोगों ने सुना है लेकिन इसकी गुंजाइश नहीं है उनको इसकी क्लैरिफिकेशन करनी चाहिए कि उन्होंने क्या, क्या, है। है। क्या हुआ सितंबर 2020 से ही कोरोना की कथित वैक्सीन बेची जा रही थी न सिर्फ चीन में बल्कि इसको स्मगल करके बाहर भी भेजा जा रहा था चीन की दो मुख्य कंपनियां हैं जो कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही हैं इनके नाम हैं सिनोवैक और सिनोफार्म चीन इन्हीं की वैक्सीन को अपने लोगों को लगा रहा है साथ ही डेवलप्ड कंट्रीज को भी सप्लाई कर रहा है जैसे ब्राजील तुर्की या फिर पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसकी वैक्सीन चार फीसदी प्रभावी है लेकिन जब ब्राजील में इसका ट्रायल हुआ तो आंकड़ा घटकर पचास दशमलव चार फीसदी हो गया ब्राजील हम जानते हैं कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है उसने सेनोवैक पर सवाल उठाए फिर कई देशों ने इस वैक्सीन की खरीद पर होल्ड पर डाल दिया साइंटिस्ट कह रहे हैं और ट्रायल हो और स्पष्ट नतीजे बताए जाएं और कंपनी कह रही है हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है और उस कोविड की ट्रांसमिशन के अंदर भी और पूरे जो चार अरब चौरासी करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया उसके ऊपर कौमी असम्बली के अंदर जवाब दिया गया पाकिस्तान की तरफ से कि उसकी एक पैनी पाकिस्तान के ऊपर खर्च नहीं की गई और आज जो वैक्सीन को लगाकर बहुत वो शुक्रिया अदा कर रहे थे और बड़े वो मतलब अपनी कारकर्दगी बयान कर रहे थे आलम यह है कि हम अब भी इमदाद पर बैठे हैं चाइना ने जो हमें जो है वो हमारे कशकोल डाल दिया वो चंद वैक्सीन का जिसके ऊपर तो जो वजी सहित पंजाब कहती है अपनी आपने गारंटी पर लगवानी है इसके साइड इफेक्ट्स है हम गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं है वैक्सीन क्या करेगी आपके साथ ये तो आलम है इनका नहीं। और यूके के जो है वो असद उमर साहब ने ट्वीट किया उन्होंने कहा हमारा एम यू साइन हो गया है बस वैक्सीन आने वाली है और वहां के जो सेक्रेटरी हेल्थ है उनको कोट ट्वीट करना पड़ा उनकी ट्वीट को और उनको बताना पड़ा कि हम इनको चैरिटी के तौर पर दे रहे हैं तो बस आपकी ये जो पॉलिटिक्स है इसमें नुकसान तो मुल्क का हो रहा ना इसमें फ़ायदा तो किसी का भी नहीं उसी ऑप्टिक्स को लेकर जो है वो एक पिक्चर भी शेयर की जा रही है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने वैक्सीनेशन लगवाई मोहम्मद बिन सलमान ने लगवाई लेकिन कल जब पाकिस्तान ने इसका आगाज़ किया तो प्राइम मिनिस्टर साहब पीछे खड़े हुए थे आगे एक हेल्थ वर्कर को जो है वो वैक्सीनेशन लगाई प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं ना पता कि वो उनको प्लेसिपो लग रहा है कि वैक्सीनेशन <laughs> लग रही है ये किसी को बता भी नहीं ना रे <laughs> सही है आधों को प्लेसिपो लगाते हैं आधों को वैक्सीन लगाते हैं तो वो कहते हैं भाई अपना क्या पता वो देखे बात ये है कि अगेन आपको फ्रंट से लीड करना है और कॉन्फिडेंस आपको इनिशिएट करना है तो ये आपको करना पड़ता और करना पड़ेगा अब वो उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है अब क्रिटिसिज्म के बाद अगर वो कर लेते हैं तो एक डिफरेंट बात है हो सकता है उन्होंने लगवा ली हो पहले ये भी उनको क्लैरिफाई कर देना चाहिए आई एम श्योर कि ऐसी कोई बात होगी वरना प्राइम मिनिस्टर को घबराहट या डर वर तो नहीं होता मैम जितना मैं जानता हूँ लेकिन ये एक आ, उनके जो एडवाइजर्स हैं उनके लिए जो है न लमे फिक्रिया है कि उन्होंने क्या एडवाइस की है और क्या उस पर अमल हुआ या वो कह रहे थे कि मैं लगवा चुका हूँ पहले से ये भी हो सकता है तो फिर ज़्यादा ज़्यादा यही एतराज़ होता ना कि आप पहले कैसे लगवा लिए आपने जो हमारे एक नेशनल मैनेजमेंट एन डी एम ए है या उनकी जगह एन सी ओ सी जो काम कर रहे हैं बेसिकली उनको ये क्लियरली बताना पड़ेगा कि इस वैक्सीनेशन जो है इस पर कितना अतमाद उनको तो ये इस वैक्सीनेशन के नतीजे में आ, कुछ वैक्सीन अभी आई है कुछ गालबन कर लेकिन इस वैक्सीन के और क्या पूरी दुनिया में और क्या हो रहा है यानी कोई साइड इफेक्ट्स हैं कोई इश्यूज आए हैं तो वैक्सीन पे जरा तफसी कल बात कर लेंगे बहुत से लोगों के जिनों में उभाम है कि ये वैक्सीन चाइना से आई है इसको क्या इसको मैंने वही बात की थी किन को अकाबरीन अगर खुद लगवाएं बाकी दुनिया की तरह जहां लगाई गई है आजम और बादशाहों ने और सदूर ने खुद वैक्सीन लगा के इंश्योर किया ताकि लोग लगाएं लोगों में ड्राइव फायदा हो पाकिस्तान में जो पोलियो के कतरों को पोलियो वर्कर्स को मार देते हैं लेकिन इतनी वो एक है और फिर कंफिय देखें वो मुझे भी समझ में नहीं आई मैं भी उसके ऊपर बहुत परेशान हूँ कि फॉरन मिनिस्टरने गा रहा है चाइना के और उनकी वैक्सीन के इमरान खान साहब शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका और जो वजीर सेहत है पंजाब की वो कहते हैं भाई अपनी अपनी मर्जी से हम बड़ा दावा करते हैं सातवीं कोत हम एटमी मुस्लिम आ, दुनिया की और उ, मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी कोत है और हम भीख मांग रहे हैं कि मेरे कोविड दे कोविड की वैक्सीन दे ये हमारे हालात है ये किस किस्म के इस मुल्क के हालात कर दिए गए कुछ सोचिए तो सही अपने लोगों को इन्वेस्ट कीजिए आप कोविड की वैक्सीन तक खरीदने के लिए तैयार नहीं है वो वेट कर रहे हैं कि कॉज जो है वो अभी जो एक बैन अवी कंसोशियम है जो कि जिसने वादा किया है कि वह दुनिया में गरीब ममालिक बीस फीसद आबादी को वो कोविड की वैक्सीन देगा आप उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो उसमें क्योंकि हमारा नाम भी है मतलब एक दुनिया की न्यूक्लियर कुत को उन्होंने उन गरीब ममालिक में शुमार किया है कि जहाँ पर आबादी को कोविड की जरूरत है और वो खरीद नहीं सकते ये हमारी हालत है हम उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो हमें कोविड की वैक्सीन दे कर रहे हैं हम क्या है कि हम जहां पर न्यूक्लियर मिसाइल्स के तजर्बे कर रहे हैं वो न्यूक्लियर मेजाइल में ठीक है हमारी क़ुत है लेकिन हम उससे क्या कर सकते हैं क्या वो कोविड वैक्सीन लेने जाएगा और लेके वापस आएगा हमारे लिए या वो मलेशिया से जाकर जो हमारा तैयारा वहां पे जब्त कर लिया गया पीआईए का उसको लेके वापस आएगा हमारी प्रायोरिटी तो देखिए क्या इस मौके पर अपने ऑप्टिक्स तो देखिये आप आवाम को क्या बदखा रहे हैं कि उनको कोविड वैक्सीन नहीं आप दे सकते और आप दूसरे कामों में लगे हुए कुछ खुदा का खौफ कीजिए कोविड वैक्सीन लाइए सारी दुनिया खरीद रही है भारत ने मैस ड्राइव शुरू की हुई है कोविड वैक्सीन की लोगों को लगाने की ये हालात हैं इस न्यूक्लियर मुल्क के और आप बातें करते हैं और फिर हम असासी गिरवी रख के तो हम कर्ज लेके मुल्क जाने का सोच रहे हैं और हालत यह नहीं है कि हमारे पास एक पेशावर यूनिवर्सिटी के साथ को देने के पैसे नहीं है कोविड वैक्सीन खरीदने के पैसे नहीं है और हम दावा कर रहे हैं मुल्क की मैशियत बहुत अच्छी जा रही है तमाम इशारे बेहतर जा रहे हैं मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहे हैं कुछ ख्याल कीजिए खुदा का खौफ कीजिए इस पर चर्चा के बाद आप खुद ही समझ गए होंगे कि भारत को क्यों विश्व ने वैक्सीन किंग का ताज दिया और पाकिस्तान अब भी खैरात की वैक्सीन पर आस लगाए बैठा है वो भी ऐसी खैरात चीनी वैक्सीन जिसे विश्व ने रिजेक्ट कर दिया है भारत अपने सभी पड़ोसियों को मुफ्त वैक्सीन भेज ही चुका है साथ ही वाणिज्यिक लेवल पर वैक्सीन भेजने का काम भी चालू कर दिया है अभी तक छाछ देशों की मांग भारत के पास आ चुकी है भारत मार्च के अंत तक सभी जरूरतमंद देशों को वैक्सीन पहुंचाने का बीड़ा उठाया है वैक्सीन टाइमली मिल जाने पर नेपाल जो भारत से दूर चाइना की तरफ जा रहा था वह भी अब भारत के तारीफ में कसीदे गढ़ रहा है मानवता की सेवा के साथ साथ मोदी की वैक्सीन डिप्लोमेसी भी काम कर रही है इस प्रकल्प में काम करने वाले लगे सभी लोगों को हिंदुस्तान की आवाज़ की परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार जय हिंद आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए धन्यवाद जय